अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर मोहसिन। आई वेलकम यू विद अनदर लेक्चर। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सो इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊँगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या इंट्रोडक्शन है, और बाकी जो मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें पैसिव वॉइस के बनाने के मैं आपको तरीके सिखाऊँगा कि किस तरह पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। सो इस वीडियो में आज मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होता क्या है, ठीक है। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि आज हम इसमें क्या सीखेंगे। सो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये हम आज सीखेंगे। व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, सॉरी फॉर्म ऑफ पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब की क्या फॉर्म होती है, ये भी आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस डेफिनेशन, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। एक्टिव वॉइस इज़ यूज टू शो डैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन, ठीक है। आसान अल्फाजों में मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म करें। एक और एग्जांपल है डेफिनेशन की, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ डूइंग द एक्शन। वही बात जो मैंने आपको कही, जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसमें सब्जेक्ट काम करता है, जिसमें सब्जेक्ट काम करें वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ही प्लेज क्रिकेट, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो ये एक्टिव वॉइस है। दे आर बाइंग टिकट्स, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है दे, इसलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस। वी विल इनवाइट हिम, इसमें सब्जेक्ट है वी, एक्शन जो करने वाले हैं वो ही, दे और वी। नेक्स्ट, शी हैज़ डन द जॉब, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है शी। नंबर फाइव, यू एट दिस चॉकलेट, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है यू। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स जो है एक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने आगे स्लाइड पर, व्हाट इज़ अ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, जो एक्शन होता है वो जो है ऑब्जेक्ट जो है रिसीव करता है, मींस कि जो काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है जब हम पैसिव बनाते हैं, और सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए एक्शन जो है रिसीव होता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल है डेफिनेशन की, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ बीइंग एक्टेड ऑन, जी वही बात इसमें बोली गई है, पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो रिसीव कर रहा है एक्शन को, इसमें ऑब्जेक्ट के ज़रिए काम किया जाए। टू चेंज अ सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, मेक द ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट एंड यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। इसमें क्या बात बोली गई है, इसमें ये कहा गया है कि जब आप पैसिव बनाते हैं, चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो आप सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसके साथ बी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तमाम पैसिव में बी फॉर्म इस्तेमाल होती है, का वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का जो है सेंटेंस है, किस किस्म का टेंस है, टेंस पे डिपेंड करता है। बी की फॉर्म इस्तेमाल होती है, बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये जो है वर्ब की बी की फॉर्म है, ठीक है, बी वर्ब कहलाते हैं। ये जो बी की फॉर्म इस्तेमाल होती है तमाम टेंसेस में, तमाम पैसिव वॉइस में। व्हाई डज इट मैटर, स्ट्रॉन्ग राइटिंग यूजेस एक्टिव वॉइस, जी क्या फ़र्क पड़ता है इससे, यही बात बोली गई है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग राइटिंग जो होती है वो ज़्यादातर एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो है हम लिखते हैं राइटिंग एसेज, जो आर्टिकल्स होते हैं, हमारी बुक्स होती हैं, हमारी कोई भी कंपोजिशन होती है, ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आप मैगज़ीन देख लें, न्यूज़पेपर देख लें, हेडलाइंस देख लें, हर जगह ज़्यादातर एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हाई डज़ इट मैटर, एक्टिव वॉइस इज़ मोर डायरेक्ट एंड कंसाइज, क्योंकि क्या होता है, एक्टिव वॉइस जो है डायरेक्ट बात की जाती है और कंसाइज होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते।
टू द पॉइंट बात की जाती है। पैसिव वॉइस इज़ यूजुअली वर्डियर, जबकि पैसिव वॉइस क्या होते हैं, वर्डियर होते हैं, बनावटी होते हैं, हम उनको बना बना कर बोलते हैं हम उनको, ठीक है, वर्डियर होते हैं, वर्ड टू वर्ड हम उसको कन्वर्ट करते हैं फिर हम बनाते हैं उनको। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉन्ट टू यूज़ एक्टिव वॉइस, तो ज़्यादातर सब क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस, यानी कि आप मैं हम सब ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव वॉइस, नॉट पैसिव वॉइस। फॉर्म ऑफ पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब की क्या फॉर्म होती है, द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स अ डबल वर्ब एंड विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी एंड द पास्ट पार्टिसिपल, यूजुअली द ई एन डी ई डी एंड टी, फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें डबल वर्ब हमें रिक्वायर होता है, एक तो होता है मेन वर्ब जिसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, और उससे पहले हम यूज़ करते हैं बी वर्ब, जैसे मैंने आपको बताए थे इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बींग, ये जो है बी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसके साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सूरतों में हो सकती है जिसके आखिर में ई एन आ रहा है, जिसके आखिर में डी आ रहा है, ई डी आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है, कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल क्या है, काशिफ बेक्ड द ब्रेक, काशिफ बेक्ड द ब्रेड, तो पैसिव वॉइस क्या हो गया, द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय काशिफ, वॉज इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। इसमें जो आपको टेंस दिया गया है ये है पास्ट सिंपल टेंस, जब हमने इसका पैसिव बनाया तो पास्ट सिंपल टेंस में हमने बी वर्ब इस्तेमाल किया वॉज, तो द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय, ठीक है, काशिफ, तो वॉज जो है ये बी की फॉर्म है, बी की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये किस तरह बनाए जाते हैं पैसिव, ये तो जस्ट एग्जांपल है, आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा टेंस बाय टेंस मेरी नई नई वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, राइटर्स शुड बी फेमिलियर विद द फॉर्म्स ऑफ टू बी, often called linking verbs, so that they can easily identify the passive voice in their work. Writers को क्या करना चाहिए, अपने जो forms बनाते हैं verb की जो forms होती हैं उनको आसानी से बेहतर तरीके से समझा देना चाहिए, लिख देना चाहिए, ताकि identify कर सकें हम passive voice को। जो writers होते हैं वो ज़्यादातर जो है show कर देते हैं कि ये sentence active voice है या passive voice है, जैसे कि हम लिखते हैं इज़ एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो हम इजीली समझ जाते हैं कि ये क्या होते हैं, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। बी वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। रिव्यू द फॉर्म्स ऑफ टू बी, ये है जो मैं आपको बता रहा था कि बी फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, बी की कौन सी फॉर्म्स होती हैं, बी वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज़ एम आर, वॉज, वर, बी, बींग, बीन, ये सारे वर्ब की बी फॉर्म है, ठीक है, ये सारे जो है पैसिव में इस्तेमाल होते हैं सारे, इनके अलावा और नहीं है जो इस्तेमाल होंगे, यही तमाम पैसिव में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, नॉट द फॉर्म्स ऑफ टू बी इन द एग्जांपल्स ऑफ द वर्ब टू किक इन द वेरियस फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस। आपको मिसाल के तौर पर जो मैं दिखा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स दी जा रही है किक के साथ, कि किक एक वर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर इनके पैसिव बनाए जाएंगे तो किस तरह बी फॉर्म इस्तेमाल होगी, इज़ एम आर, वॉज, वर, पैसिव वॉइस में, ये देखें, इज़ किक्ड, वॉज किक्ड, इज़ बीइंग किक्ड, हैज़ बीन किक्ड, वॉज बीइंग किक्ड, हैड बीन किक्ड, इज़ गोइंग टू बी किक्ड, विल बी किक्ड, कैन बी किक्ड, शुड बी किक्ड। देखें तमाम पैसिव में, तमाम जो जितने भी ये सेंटेंसेस हैं, ये फ्रेजेस दिए गए हैं, एक्चुअली पूरे कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसमें जितने भी आप देखेंगे बी वर्ब की फॉर्म है, इज़ वॉज, इज़ बीन, बींग, जितने भी आप देखेंगे बी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप याद रखिएगा तमाम पैसिव में जो बी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज़ एम आर, वॉज, वर, बीन, बींग और बीन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस में क्या फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।